अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आज मैं तुम्हें नबी इब्राहिम अलह सलाम की कहानी सुनाऊंगा क्या तुम तैयार हो? हाँ। नबी होब्राहिम सलाम ने इस्लाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उनके जीवन में अल्लाह ने उन्हें जो भी आदेश दिए उन्होंने उनका पालन किया अल्लाह में उनके अटूट विश्वास का परिणाम यह हुआ कि अल्लाह ने उन्हें वचन दिया कि वो एक दिन इस पूरे संसार पर राज करेंगे अब उनकी कहानी आरंभ करते हैं बिस्मिल्ला कहानी नबी इब्राहिम सलाम की नबी इब्राहिम अलह सलाम का जन्म बहुत समय पहले बेबीलोन साम्राज्य में हुआ था ईश्वर ने उन्हें बुद्धिमत्ता प्रदान की थी और इसी कारण उनके बचपन में उन्हें बहुत विशेष माना जाता था जब नबी का जन्म हुआ उस समय लोग सूर्य चंद्रमा और तारों की पूजा करते थे साथ ही वो लोग मूर्ति पूजा भी करते थे इब्राहिम के पिताजी एक मूर्तिकार थे और वो अपने हाथों से पत्थर की मूर्तियां बनाया करते थे उनके पिता ने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की थी बचपन में इब्राहिम अपने पिता को उन पत्थरों से मूर्तियां बनाते देखा करते इन मूर्तियों को देखकर इब्राहिम को बहुत जिज्ञासा होती और वो कभी कभी इनके साथ खेला करते लेकिन उन्होंने जब वही मूर्तियां इबादत गाहों में देखी तो वो विचलित हो उठे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्यों लोग इन मूर्तियों को प्रणाम करते हैं इसलिए उन्होंने इसके बारे में अपने पिता से पूछने का निर्णय लिया एक दिन जब उनके पिता मरदूख की मूर्ति बना रहे थे तब नबी ने उनसे पूछा बाबा आप जो ये खिलौने बनाते हैं लोग इनकी इबादत क्यों करते हैं ये हमारे मालिक हैं उनके पिता ने जवाब दिया हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी इबादत करनी चाहिए नबी ने पूछा इसके कान इतने बड़े क्यों हैं बाबा ये सबसे बड़े मालिक हैं मरदूख उन्होंने उत्तर दिया कि उनके कान उच्चतर ज्ञान के प्रतीक हैं इब्राहिम की आयु उस समय मात्र सात वर्ष की थी किंतु वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए बदलते समय के साथ ही इब्राहिम ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होते चले गए वो जानते थे कि अल्लाह ही बस एक मालिक है। जैसे ही वो बड़े हुए उनके हृदय में मूर्तियों के प्रति घृणा बढ़ती गई इब्राहिम अब सोलह वर्ष के हो चुके थे जब भी वो अपने पिता के साथ इबादत गाह जाते लोगों को मूर्ति पूजा करते देख दुखी हो जाते उन्होंने देखा कि लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कुर्बानी देते हैं एक दिन इब्राहिम ने घर छोड़ दिया अल्लाह को ढूंढने के लिए सच्चे मालिक के लिए वो लंबे समय तक चलते रहे और अंततः एक पर्वत के समीप जा पहुंचे वो पर्वत पर चढ़ गए और एक कंदरा के समीप जाकर बैठ गए वो वहां बहुत समय तक बैठे रहे और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक चमकता तारा दिखाई दिया जब उन्होंने उस तारे की सुंदरता देखी तो उन्हें लगा वही अल्लाह है लेकिन कुछ समय बाद वो तारा अदृश्य हो गया अब उन्हें लगा कि वो तारा अल्लाह नहीं है क्योंकि सच्चा मालिक कभी अस्त या अदृश्य नहीं हो सकता कुछ समय बाद चंद्रमा दिखाई दिया चंद्रमा बहुत ही सुंदर था इसलिए अब इब्राहिम को लगा कि चंद्रमा अल्लाह हो सकता है वो टकटकी लगाकर चंद्रमा को लंबे समय तक निहारते रहे लेकिन कुछ समय बाद जब चंद्रमा आकाश से अदृश्य हो गया तो उन्हें लगा कि चंद्रमा भी अल्लाह नहीं है इब्राहिम निराश हो गए किंतु वो पर्वत के ऊपर बैठकर निरंतर आकाश की ओर देखते रहे अब सुबह हो चुकी थी और सूर्योदय हुआ उन्होंने तेजोमय सूर्य को देखा और यह सोचा कि यह अल्लाह हो सकता है क्योंकि वो बहुत विशाल है और बहुत तेजस्वी। जब संध्या हुई तो सूर्य आकाश में अस्त हो गया तो उन्हें लगा कि वो अल्लाह नहीं है क्योंकि अल्लाह कभी अस्त नहीं हो सकते अब इब्राहिम को भान हुआ कि कभी अल्लाह का निर्माण नहीं किया जा सकता वो जान गए कि वो अल्लाह ही है जिसने सबका निर्माण किया है सूर्य का चंद्रमा का और तारों का फिर उन्होंने धरती पर प्रणाम कर कृतज्ञता प्रकट की वो जानते थे कि अल्लाह उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं वो अब जान गए कि अल्लाह ने उन्हें अपना नबी चुना है अल्लाह ने उन्हें चुना है लोगों के मार्गदर्शन के लिए ये नबी इब्राहिम अलह सलाम के लिए एक नए जीवन का शुभारंभ था वो अपने पिता को ये शुभ समाचार देने के लिए अपने घर वापस आए किंतु सब सुनने के बाद उनके पिता बहुत क्रोधित हो गए तुमने साहस कैसे किया मेरे मालिक को न मानने का उन्होंने क्रोधित होकर पूछा बाबा आप मेरे पीछे आए मैं सत्य के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करूंगा अगर आप अब भी नहीं मानेंगे तो अल्लाह आपको दंडित करेंगे नबी ने उनसे कहा अगर तुमने ये अनर्गल बातें बंद नहीं की तो मैं लोगों से तुम पर पत्थर फेंकने को कहूंगा उनके पिता ने चिल्ला कर कहा इसके बाद नबी को उनके पिता ने घर से निकल जाने को कहा इब्राहिम अब अपने पिता से बहुत हताश और निराश हो गए वो और कुछ नहीं कर सकते थे अंततः उन्होंने घर छोड़ दिया और वो वहां से चले गए फिर वो मार्गदर्शन करने के लिए अपने राज्य के दूसरे लोगों के पास गए वो जान चुके थे कि उनका उद्देश्य लोगों को अल्लाह की राह पर लाना है इब्राहिम जनता के पास गए और बोले अल्लाह ही केवल मात्र एक मालिक है उसके अलावा कोई और मालिक नहीं उसके अतिरिक्त और कोई इबादत के योग्य नहीं मैं अब मूर्ति पूजा नहीं करूंगा जनता ने जब उन्हें यह कहते हुए सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गए तुम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो उन्होंने उनसे पूछा क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनमें कोई शक्ति नहीं है लोगों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया इसलिए इब्राहिम वहां से चले गए लेकिन नबी ने एक योजना सोची जिससे लोगों को बताया जा सके कि मूर्ति पूजा अच्छी बात नहीं एक दिन नदी के किनारे एक बड़ा उत्सव था और नबी जानते थे कि नगर के सारे लोग वहां उपस्थित होंगे नबी ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो गया कि अब नगर में कोई व्यक्ति नहीं बचा है फिर उन्होंने कुल्हाड़ी ली और इबादत गाह के अंदर गए इबादतगाह के अंदर बहुत सारी मूर्तियां रखी थीं और नबी अपनी कुल्हाड़ी से सारी मूर्तियों को नष्ट करने लगे एक एक करके उन्होंने सारी मूर्तियां नष्ट कर दी सिर्फ एक को छोड़कर वो पूरे इबादत गाह में सबसे बड़ी मूर्ति थी उन्होंने उस मूर्ति की गर्दन में कुल्हाड़ी टांगी और वहां से चले गए अगले दिन जब नगर के लोग इबादतगाह में इबादत के लिए आए तो वो मूर्तियों को खंडित अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित रह गए मूर्तियां खंड खंड होकर चारों ओर बिखरी हुई थी वो सभी एकत्रित हुए और आपस में चर्चा की कि किसने इस घृणित कार्य को किया है कल मैंने एक नौजवान को देखा था उनमें से एक ने कहा वो हमारी मूर्तियों का विरोध कर रहा था मैं उसे जानता हूं उसका नाम इब्राहिम है दूसरे आदमी ने कहा लोगों ने नबी इब्राहिम को खोजा और उन्हें इबादत गाह में ले आई क्या तुम हो वो जिसने हमारी मूर्तियां नष्ट की हैं उन्होंने उनसे पूछा ये मूर्ति यहां थी हाँ ये बड़ी वाली नबी ने उत्तर दिया तुम लोग उससे क्यों नहीं पूछते अगर ये बोल सकती है तो यह बताएगी इस बात ने लोगों को और भड़का दिया तुम अच्छी तरह जानते हो कि मूर्तियां बात नहीं करती तब नबी इब्राहिम ने कहा तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो जब ये मूर्तियां बोल नहीं सकती न ये देख सकती है न सुन सकती है क्या तुम लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है लोग निरुत्तर होकर बगले झांकने लगे उन्होंने देखा कि मूर्तियों के अवशेष चारों ओर बिखरे हुए हैं उनमें से कुछ को लगा कि इब्राहिम सही कह रहे हैं जबकि अन्य अभी भी उन पर बहुत क्रोधित थे उसे दंड दो उन्होंने कहा वो मूर्तियों को नष्ट करने के लिए उनसे बदला लेना चाहते थे उन्होंने उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया और उनके चारों ओर चर्चा करने के लिए एकत्रित हो गए कि नबी को कैसे दंडित किया जाए उसे आग में जला दो उनमें से एक ने कहा ऐसी आग जलाओ जैसे किसी ने ना देखी हो और इसे उसमें फेंक दो सबको लगा ये एक अच्छी योजना है बेबी लॉन के लोगों ने इतनी बड़ी अग्नि प्रज्वलित करना आरंभ किया कि उसके ऊपर से पक्षी भी उड़ ना सके वातावरण इतना गर्म हो गया कि कोई भी उसके समीप न जा सका माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी कहानी थी <laughs> आज के लिए इतना ही शेष कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा ठीक है बाबा अब मैं क्या तुमसे इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूं? जी पूछिए नबी इब्राहिम अले सलाम का जन्म कहाँ हुआ था बेबी उनका जन्म बेबी में हुआ था माशाल्लाह ये सही उत्तर है अब मुझे बताओ नबी के पिता क्या करते थे मैं तुम्हें कुछ विकल्प देता हूँ पहला काष्ठकार दूसरा मूर्तिकार और तीसरा लकड़हारा ये बहुत ही सरल है दूसरा वो एक मूर्तिकार थे हम्म, फिर से सही अब अगला प्रश्न ये बताओ नबी को घर छोड़ने के लिए क्यों कहा गया नबी ने मूर्तियों की आराधना करने से इनकार कर दिया था इससे उनके पिता बहुत क्रोधित हो गए थे और इसीलिए उनके पिता ने उनसे घर छोड़ने के लिए कहा ये सही है ना बाबा बिल्कुल सही बेटा अच्छा बेबी लोन की जनता नबी पर क्रोधित क्यों हुई नबी बेबीलोन के लोगों को शिक्षा देना चाहते थे इसीलिए उन्होंने उन मूर्तियों को तोड़ डाला जिसकी वो आराधना करते थे माशाल्लाह, बिल्कुल सही उत्तर आज के लिए इतना ही शेष कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊँगा शुभ रात्रि।